वेलकम बैक टू माई चैनल डो एंड मी। और आज मैं आपके लिए एक और रिव्यू लेकर आई हूँ, सनफीस्ट येपी के क्रीमी कॉर्न ट्राई कलर पास्ता का रिव्यू। और ये एक न्यू लॉन्च है येपी की तरफ से। इसमें इसके दो फ्लेवर्स आते हैं, जिसमें से मैंने क्रीमी कॉर्न फ्लेवर जो है चूज़ किया है रिव्यू करने के लिए। और 50 ग्राम की पैकेजिंग है, 15 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। और वन सर्विंग के लिए है ये, मतलब मल्टीपल सर्विंग के लिए नहीं है, एक पर्सन के लिए ही इसमें बनेगा। सो इसको हम आज रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है, क्योंकि विंटर्स चल रही हैं और छोटी छोटी क्रेविंग्स और इंस्टेंट क्रेविंग्स के लिए हमें कुछ चाहिए होता है कि हम कुछ न्यू ट्राई करें, जिससे जो हमारा मन है वो अच्छा हो जाए और टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाए और कुछ गर्म गर्म खाने के लिए हो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सो इसमें दो फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, मसाला और क्रीमी कॉर्न, और हमारा ये फ्लेवर है क्रीमी कॉर्न। तो इसमें पास्ता है और अंदर ही सॉस मेकर दिया हुआ है इंस्टेंट बनाने के लिए, जिसे हमें 180 ml वाटर में मिक्स करना है और कुक करना है 5 मिनट्स के लिए। सो ये है हमारा सॉस मेकर, पास्ता सॉस मेकर। तो कोई और सॉस नहीं बनानी है आपको, सीधा इसे ही यूज़ करना है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है हमारा पास्ता। तो इस तरीके से तीन कलर्स हैं इसमें, ग्रीन, ऑरेंज एंड वाइट, एंड इसीलिए इसको ट्राई कलर पास्ता वो बोल रहे हैं। और ये हमारा सॉस मेकर पाउडर जो है, इसमें आपको कुछ कॉर्न्स भी दिख रहे होंगे, स्वीट कॉर्न, और ऐसा ये पाउडर है। सो वाटर ले लिया है मैंने इसको, ये बॉयल होने लग गया है। इसमें मैं अब अपना पास्ता डाल देती हूँ और इसी में अपना सॉस मेकर भी हम अभी ऐड कर देंगे। सो हॉट वाटर में डाला है मैंने, क्योंकि कोल्ड वाटर में कई बार लम्प्स बन जाते हैं और अच्छे से मिक्स नहीं होता है फिर। सो अब इसमें ऐड कर दें अपना सॉस मेकर। तो अब इसको हम स्टेयर कर लेंगे ताकि अच्छे से जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएं, और इसको 5 मिनट्स के लिए अब बॉयल होने देंगे ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए और कुक हो जाए, क्योंकि उसमें दिया गया है कि 5 मिनट्स के लिए आपको कुक करना है। तो मेरा पास्ता जो है कुक हो गया है और ऐसा दिख रहा है, देखने में साइड में क्रीम टाइप है, बट क्रीम ऐसा नहीं है जैसा हम यूज़ करते हैं क्रीम, वैसा क्रीम ही दिख रहा हो। और कॉर्न्स जो हैं इतने सारे इसमें नहीं थे, मैंने अलग से स्वीट कॉर्न्स इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 5-6 ही कॉर्न के पीसेस थे और मुझे स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है, सो मैंने ऐड किया। और अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। सो टेस्ट इसका ठीक है, मतलब थोड़ा सोपी टेस्ट आ रहा है मुझे इसमें, बिल्कुल क्रीमी वाला नहीं आ रहा है। और ओरिगैनो का थोड़ा फ्लेवर है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा इसमें जो छोटे छोटे ये मसाला टाइप ये ओरिगैनो है, तो उसका फ्लेवर थोड़ा आ रहा है। और बहुत अमेजिंग कोई फ्लेवर नहीं है, बट हाँ ऐसा है कि अगर आपको सूप्स वगैरह पसंद है और बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर्स पसंद है तो आपको शायद ये अच्छा लग सकता है। और कभी कभी के लिए ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे रेगुलरली परचेज़ नहीं करूँगी, मैं खुद बनाना प्रेफर करूँगी। बट कभी अगर आपको इंस्टेंटली कुछ चाहिए है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और फ्लेवर्स बहुत ही माइल्ड हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं हैं इसमें बिल्कुल भी, और बिल्कुल सूप जैसा फ्लेवर मुझे इसमें से आ रहा है। बस ये कि गर्म है और थोड़ा सूप टाइप है और आ रहा है, गार्लिक का फ्लेवर है तो ठीक लग रहा है। इसको हम क्रीमी पास्ता वाला कैटेगरी में नहीं मैं इसको मेंशन कर सकती हूँ। सो उसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होता है जो क्रीम पास्ता होता है। इसको मैं बोलूँगी थोड़ा जो स्टार्च टाइप हमारा राइस में से और ओट्स में से निकलता है, उस टाइप का कुछ इसका फ्लेवर और टेक्स्चर है। और बच्चों के लिए ठीक है, अगर माइल्ड आपको उनको कुछ देना है, इंस्टेंटली कुक करना है, या आपका मन नहीं है इंस्टेंटली मूड थोड़ा चेंज करने के लिए ट्राई करना है, तो कर सकते हैं। बट आई वुड से कि खुद आप बनाएं तो वो बेटर होगा। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।